अस्सलाम वालेकुम। आज हमने दो एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करना है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन इन प्लेनेरिया। ये रह गए थे हमारे दो एनिमल्स, तो मैंने कहा आज इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको बता दें कि प्लेनेरिया कौन है, कहाँ रहता है, कैसा होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा। ये फ्लैट वर्म है, फ्लैट वर्म है का फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस है। ये बॉडी फ्लैट होती है, दैट इज़ वाई को हम फ्लैट वर्म कहते हैं। वर्म लाइक एंड फ्लैट बॉडी है। और इसका जो फाइलम है वो मैंने अभी आपको बताया, प्लेटी हेलमेंथिस है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका देखते हैं कैसा होता है। सिस्टम इसका सैक लाइक है। सैक लाइक मीन इसकी एक ही ओपनिंग होती है, उसी से इंजेशन और उसी से इजेशन ये एनिमल करता है। तो सिस्टम की बात कर लेते हैं, सिस्टम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। सिस्टम में क्या होता है, ये एनिमल है, प्लेनेरिया की ये बॉडी है। चेक करें, इस बॉडी में ये आईज हो गई, इसके दरमियान में वेंट्रल साइड पे माउथ है। दरमियान में वेंट्रल साइड पे कौन है, माउथ। ये कौन है, ये है माउथ। अब वेंट्रल साइड से क्या मुराद है जी, ये अगर एनिमल है, सपोज करें ये एनिमल है, तो इसकी एक कमर वाली साइड है ऊपर और ये पेट वाली साइड है नीचे। ये वाली साइड वेंट्रल साइड कहलाती है। इसके नीचे दरमियान में इसका माउथ है। एक बड़ी अजीब सी जगह पे माउथ है इसका, इन क्या करें, होता ही यहीं पे है। इस माउथ से इसकी स्टार्ट होती है इंटेस्टाइन, जो कि इसकी डाइजेस्टिव कैविटी है। ये इंटेस्टाइन है, तीन ब्रांचेस पे मुश्तमिल इंटेस्टाइन होती है इसकी। एक ब्रांच फॉरवर्ड जा जाती, ये फॉरवर्ड जा रही है। दो ब्रांचेस इसकी लेटरल जाती हैं, लेटरल। एक ये लेटरल जा रही है, ठीक है, और एक यहां से लेटरल जा रही है, ठीक है जी। तीन इसकी टोटल ब्रांचेज हो गई, एक फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड है और एंटीरियर है इंटेस्टाइन का पार्ट, और ये दो जो है ना, ये और ये हैं लेटरल इंटेस्टाइन्स। ये तीनों इंटेस्टाइन्स मजीद छोटी छोटी नालियों को बनाते हैं। ये देखिए, मजीद छोटी छोटी यहाँ पे क्या है, नाली, ये छोटी छोटी नाली है। मजीद इनमें से छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं। छोटी छोटी नालियाँ एंड होती हैं ब्लाइंड ब्लाइंड स्ट्रक्चर्स पे, जिनको सीसी कहते हैं। ये इनके ब्लाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं सीसी। इसके भी इसी तरह ब्लाइंड स्ट्रक्चर्स वाली ब्रांचेज हैं, ब्लाइंड एंड्स वाली ब्रांचेज, ब्लाइंड एंड्स वाली ब्रांचेज हैं, यहाँ भी हैं। तीनों के आगे से ब्लाइंड एंड्स वाली ब्रांचेज हैं, इसकी भी ब्लाइंड एंड्स वाली ब्रांचेज हैं। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बन गया इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्लियर। दरमियान में ये क्या है, मेन जो इसकी ब्रांचेज है, मेन तीन ब्रांचेज इंटेस्टाइन है, यही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इंटेस्टाइन के अंदर खुराक कैसे जाती है, इसका माउथ फेरिंग्स के साथ अटैच है। इसके फेरिंग्स की खास बात यह है, इसका फेरिंग्स इवर्सिबल है, इवर्सिबल फेरिंग्स है। तो सिस्टम के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। माउथ है जी, माउथ के बाद अभी जो मैंने आपको बताया फेरिंग्स है, ये माउथ के साथ लगा होता है, बिल्कुल नाली नुमा स्ट्रक्चर है ये, ट्यूब नुमा। ये इवर्सिबल है, इवर्सिबल प्रोट्रड हो जाता है जब इसने कुछ खाना हो। कैसे, आपने देखा होगा साइड पॉकेट होती है ना हमारी, साइड पॉकेट। ये साइड पॉकेट अक्सर कोई चीज निकालते वक्त बाहर आ जाती है, इनसाइड आउट, इस तरह इनसाइड आउट।
इन द सेम वे इसका जो माउथ है वो नाली नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकालता है, उसको हम नाम देते हैं फेरिंग्स का, ये फेरिंग्स। प्रोट्रैक्ट का मतलब है ये बाहर आ जाता है, कैसे, जैसे मैंने अभी आपको पॉकेट का बताया, जैसे पॉकेट बाहर आ जाती है, वो जो जेब होती है कोई सामान निकालते वक्त बाहर आती है, ऐसे ही ये फेरिंग्स ट्यूब नुमा इसके माउथ से बाहर आ जाता है, यहाँ से ये खुराक एंटर करता है जो भी ये खा रहा होगा, फिर वो माउथ से होती हुई इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो थर्ड पार्ट इसकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है दैट इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एंटीरियर वन जो कि फॉरवर्ड जाती है और दो लेटरल होती हैं ब्रांचेस। तो टोटल तीन ब्रांचेस जो हैं इसकी इंटेस्टाइन की हैं जहाँ पे डाइजेशन होनी है। तो खुराक इसने खा ली, अब मैकेनिज्म देख लें, अब जब ये खुराक खाएगा, फूड खाएगा, वो इवर्सिबल माउथ के जरिए, इवर्सिबल फेरिंग्स के जरिए माउथ और माउथ से इंटेस्टाइन में चली जाएगी। इंटेस्टाइन में उसकी डाइजेशन होगी, वही सेम स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो इसने खाया है फूड वो इंजेस्टन है, अब इंटेस्टाइन में उसकी होगी डाइजेशन। अब चूंकि ये कैविटी में हो रही है तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे, वो प्रोडक्ट अब्जॉर्ब होंगे सेल्स के अंदर, तो ये हो जाएगी एब्जॉर्प्शन। बाकी की जो डाइजेशन है वो अंदर जाकर कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये तमाम डाइजेशन होने के बाद जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी वो इसी माउथ के ज़रिए बाहर चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सैक लाइक है, इसकी भी एक ओपनिंग हुई, उसी से ये खा रहा है, उसी से ये निकाल भी रहा है। पहले खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, हजम कर लिया, फिर जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो फूड वापस इसने माउथ के ज़रिए निकाल दिया, इजेस्ट कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक है, जिसकी एक ही ओपनिंग है माउथ। क्लियर हो गया। डाइजेस्टन इसकी दोनों तरह की है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है जो यहाँ हो रही है इंटेस्टाइन में, और बाकी की जो डाइजेशन है वो अब्जॉर्ब होने के बाद इंट्रा सेलुलरली होगी, मीन सेल्स के अंदर जाकर होगी। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए सेल्स इस्तेमाल होंगे, ये वाले इंटेस्टाइन की जो वॉल के सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, ये इसको अब्जॉर्ब करेंगे बाय फैगोसाइटोसिस, जो आपको पहले भी बताया हुआ है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है कॉकरोच। कॉकरोच एडवांस एनिमल है। पहले कॉकरोच के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। कॉकरोच क्या है? कॉकरोच एक आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट है। और कॉकरोच के बारे में जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मैंने पढ़ाना है वो बहुत एडवांस है बाकी एनिमल से जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, हाइड्रा से और प्लेनेरिया से एडवांस है, अमेबा से तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम रखता है। ट्यूब लाइक का मतलब जिसमें दो ओपनिंग्स हों, पहली ओपनिंग माउथ और दूसरी ओपनिंग एनएसओ आर्थ्रोपोड। माउथ से कॉकरोच खाता है, इंजेस्ट करता है, और एनएसओ से वो ईजेस्ट करता है। एक्सपोज करें, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सपोज करते हैं कॉकरोच का, ये माउथ है, माउथ माउथ के साथ ही फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स कह लें, फेरिंग्स के बाद इसका स्ट्रक्चर आता है क्रॉप, क्रॉप आता है, क्रॉप के बाद इसका स्ट्रक्चर आता है गीजर्ड। माउथ से लेके गीजर्ड तक जो सिस्टम है कॉकरोच का वो फॉरगेट कहलाता है, पहले आने वाली गट, फिर गीजर्ड के बाद इसका मेसेंट्रन स्टमक आता है, मेसेंट्रन स्टमक, ये इसका मेसेंट्रन स्टमक है,
ये मिड गट में आएगा, मिड गट में, और फिर मेसेंट्रल स्टमक से ले के एंड तक ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन इस तरह से, ठीक है, ये सारा पोर्शन जो है ये हाइंड गट में आएगा, बाद वाली गट एंड पे जो आ रही है हाइंड गट। ये मैंने आपको जनरल सा एक ओवरव्यू बना के दिखाया है किस चीज का, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्रॉप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ले जी, अब ये ठीक है, ये माउथ आ गया, माउथ से लेके गीजर तक ये आ गई फॉर गट। पहला हिस्सा माउथ, दूसरा हिस्सा पैरेंक्स, तीसरा हिस्सा क्रॉप, और ये चौथा हिस्सा गीजर्ड। चार हिस्से फॉरगट में आ गए हैं। फॉरगट के बाद ये जो एस शेप स्ट्रक्चर है इतना, ये मिड गट है, इसको स्टमक भी कहते हैं, का नाम मेसेंट्रन है, मेसेंट्रन स्टमक। फिर इधर से लेके एंड तक ये पूरा पोर्शन हाइंड गट है। हाइंड गट के अंदर पार्ट्स हैं, पहले इलियम आएगा, इलियम पहला पार्ट है, ये जो आखिरी हाइंड गट है इसमें। फिर ये कोलोन आएगा, कोलोन, और एंड पे जो आएगा पोर्शन दैट वाज रेक्टम, दैट इज रेक्टम। और ये इसकी जो ओपनिंग है एंड वाली, दिस विल बी एनस। मैंने सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम हाईलाइट किया, पूरा कॉकरोच नहीं बनाया मैंने, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये फॉरगट, मिड गट, और इसके बाद हाइंड गट। मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये खाएगा और ये कैसे डाइजेस्ट करेगा। सबसे पहले खुराक एंटर होगी माउथ में, चेक करें, ये माउथ है, माउथ में सलाइवा भी होगा, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाएंगे, थूक जो है वो इसके माउथ में होगा। जो भी ये खाएगा, आमतौर पर ये सारा कुछ खा लेता है, ठीक है, तो जो ये खाएगा वो इसके माउथ में जाएगा, माउथ में सलाइवा खुराक के साथ मिक्स होगा, सलाइवा में एंजाइम भी होंगे, वो खुराक की पार्शियल डाइजेशन करेंगे। पैरिंग से होता हुआ ये जो खुराक है, ये जो फूड है, क्रॉप में आके स्टोर हो जाएगा। अब ये खुराक कहाँ पर है? क्रॉप में है, क्रॉप में स्टोर हो गई है इस जगह, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन उसकी हुई है माउथ में सलाइवा ने की। वैसे भी आपको पता है जो थूक है इसमें एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम आमतौर पर खुराक की पार्शियल थोड़ी सी डाइजेशन कर देते हैं। थोड़ी सी डाइजेशन के बाद खुराक कहाँ आ गई? क्रॉप में, क्रॉप में स्टोर होगी, फिर इसके अंदर से खुराक गीजर्ड में जाएगी। यहाँ पे अच्छी तरह इसकी ग्राइंडिंग होनी है, अच्छी तरह पिस जाना है खुराक ने। गीजर्ड के बाद खुराक एंटर होती मिड गट में। मेन जो डाइजेशन है ना कॉकरोच में, खुराक मेन जो डाइजेस्ट होती है, जो हजम होती है, वो मिड गट यानी कि मेसेंट्रन में होती है। इधर कैसे होती है? यहाँ पे ना हेपाटिक सीसी मौजूद है, इसके एंटीरियर एंड पर हेपाटिक सीसी है, ये हेपाटिक सीसी है। ये क्या करती हैं? ये हेपाटिक सीसी स्टमक के अंदर सिक्रीशंस भेजती हैं, एंजाइम भेजती हैं, ताकि खुराक को डाइजेस्ट किया जाए। ये वाली, ये जो नाली है ना, ये हेपाटिक सीसी हैं, ये स्टमक के अंदर सिक्रीशंस भेज रही हैं ताकि खुराक की डाइजेशन की जा सके स्टमक के अंदर। मेसेंट्रन यहाँ पे स्टमक को कहेंगे, ये जिसकी एस शेप है, ये एस शेप है, यहाँ पे खुराक की डाइजेशन की जाएगी। उसके बाद खुराक एंटर होगी हाइंड गट में, इलियम में, कोलन में। यहाँ पे जो चीज़ें अब्जॉर्ब होनी है, जो प्रोडक्ट्स बनी है, वो अब्जॉर्ब होने ना सेल में, अब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर जो अब्जॉर्ब नहीं होंगे, जो डाइजेस्ट भी नहीं हुए, वो इधर से होते हुए
रेक्टम में जाएंगे और रेक्टम में आने के बाद एनस से निकल जाएंगे, तो ये इजेशन एनस से होगी। तो ध्यान से देखें इस सिस्टम को, एक तरफ से खुराक इंजेस्ट होती है, कॉकरोच खाता है, फिर हर पोर्शन एक एक काम करता है, हर पार्टीशन का काम अलग अलग है। ऐसे सिस्टम को ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दो ओपनिंग्स हैं, एक माउथ है जहां से ये खा रहा है और एक एनस है जहां से ये निकाल रहा है। तो ऐसे सिस्टम को ट्यूब लाइक कहेंगे। प्लस इसकी खास बात यह है, इसमें तमाम फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड पार्टीशंस मौजूद है। माउथ का फंक्शन अलग, क्रॉप का फंक्शन अलग, गीजर्ड का फंक्शन अलग, फिर मिड गट का फंक्शन अलग, फिर आगे हाइंड गट का फंक्शन अलग, रेक्टम का फंक्शन अलग। तमाम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन प्ले करेंगे, फिर मिलकर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं ट्यूब लाइक। ये ट्यूब लाइक ही है ना, ट्यूब लाइक बन गया, थैली नहीं बनी, ट्यूब बन गई है। छोटे छोटे ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन आपको आना चाहिए, जिसमें सैक लाइक और ट्यूब लाइक में कंपैरिजन याद करते हैं। ठीक है, तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। यहाँ पे आपने क्या बताना है, यहाँ पे आपने तमाम ऑर्गन्स के फंक्शन बताने हैं। दिखने से भी जो बातें नज़र आ रही हैं वो बतानी है कि क्रॉप के साथ गीजर जो है वो लगा हुआ है, गीजर के साथ स्टमक लगा है, स्टमक की शेप एस जैसी है, और हैंडगट क्वाइल्ड है, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग क्वाइल्ड है, सीधी ट्यूब नहीं है। आखिरी पोर्शन का नाम रेक्टम है, इंजर्शन के लिए माउथ है, ईजर्शन के लिए एनस है, और सिक्रीशन स्टमक में कहाँ से आती हैं, हेपाटिक सीसी से आती हैं, वगैरह वगैरह। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या खारिज करते हैं, सलाइवा खारिज करते हैं, उससे क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होती है। मेन डाइजेशन कहाँ होनी है, मेसेंटरम स्टमक में होनी है। ये तमाम बातें जो है वो याद करनी है। और एंड पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ये सैक लाइक और ट्यूब लाइक में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली ट्यूब लाइक सिस्टम ही ज़्यादा एफिशिएंट है। वजह, ओपनिंग्स दो हैं और हर फंक्शन के लिए एक अलग से स्पेशलाइज्ड पार्टीशन है जो अपना अपना फंक्शन प्ले कर रही है। ठीक है, तो ये थे दो हमारे एनिमल्स जिसमें हमने डाइजेशन स्टडी की। क्वेश्चन है तो फौरन से मुझसे पूछ लें, फिर मैं ये लेक्चर वाइंड अप कर देता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने आसान आसान सी डायग्राम्स बनाई हैं आपके सामने, तो मेरा ख्याल है बुक मेंशन कर लें कि ये पार्ट फॉरगट है, ये पार्ट मिडगट है, और ये एंड वाला पार्ट एंडगट है। बुक पे ज़रा आप मेंशन कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक फॉरगट है, फिर कहाँ से कहाँ तक मिड है, और फिर कहाँ से कहाँ तक एंडगट है। फिर आपको सेल्फ राइटिंग करने में भी आसानी होगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से कर लें। हाँ जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ जी हाँ जी, एक क्वेश्चन आया जी सर, क्या ये लॉन्ग क्वेश्चन है? जी बिल्कुल, डाइजेशन इन प्लेनेरिया भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता और काफ़ी मरतबा आया भी हुआ है, कॉकरोच वाला भी कई मरतबा पेपर में आया हुआ है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे जल्दी से कर लें ताकि मैं आपको उसका आंसर दे दूँ। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चंस के निशान लगा लें जल्दी से, फिर मैं आपको इस लेक्चर का एंड कर देता हूँ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन किया हुआ है जी,
क्लोकल अपर्चर क्या होता है? वैसे क्लोकल अपर्चर का यहाँ पे जिक्र तो नहीं है आपकी बुक में. क्लोकल अपर्चर ये एनिमल्स की ओपनिंग होती है पोस्टीरियर साइड पर, ठीक है, जिस ओपनिंग से यूरिन भी पास हो जाता है, फीसिस भी पास हो जाते हैं वगैरह वगैरह. उस कॉमन ओपनिंग को हम क्लोकल अपर्चर कहते हैं, ठीक है. अपर्चर का जो लफ्जी मतलब है वो सुराख होता है, ओपनिंग, ठीक है. और कोई क्वेश्चन के अलावा? ये क्वेश्चन एयर एलिमेंट पूछा हुआ है, ठीक है. हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतल्लिक ही क्वेश्चन करें, ठीक है. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं. आइस का फंक्शन, आइस का फंक्शन अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पूछ रहे हैं. आइस देखने के लिए काम आती है, लाइट को रिटेक्ट करने के लिए. हमारी आइस का भी यही काम है, लाइट जो पड़ रही है ना आंखों में उसको रिटेक्ट करना ही प्लेनेरिया की आइस का भी फंक्शन है. उसकी आई स्पॉट्स होते हैं, वही काम करते हैं. खैर, वैसे ये डाइजेस्ट सिस्टम में नहीं, आप बार बार पूछ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया. चलें, और कोई क्वेश्चन? मुझे तो खैर नज़र नहीं आ रहा, तो फिर इस लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करते हैं. इंशाल्लाह हम कल यहीं से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी. अल्लाह हाफिज़.